2023 तो अब खत्म होने वाला है और इस साल भी हमने देखा था कि बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च किए गए थे, फ्लैगशिप लेवल से लेकर प्रीमियम तक, मिड रेंज तक, बजट सेगमेंट तक। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि इंडियन यूजर्स में ना गेमिंग का जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और स्पेसिफिकली मोबाइल यूजर्स में। अब लोग ना लैपटॉप पीसी की बजाय ना अपने फ़ोन पे गेम खेलना पसंद करते हैं। तो ऐसे में अगर आपको एक अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना है और अगर आप एक अच्छा अमाउंट वाला पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं, यानी कि जैसे हम लैपटॉप खरीदते हैं ना, अगर हम गेमिंग लैपटॉप खरीदते हैं तो हमारा 1-1.5-2 लाख तक का एक्सपेंस आता है। लेकिन यही फीचर्स अगर आपको अपने फ़ोन में मिल जाए तो स्मार्टफोन भी हो जाएगा, गेमिंग का जो काम है वो भी पूरा हो जाएगा। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक फ्लैगशिप लेवल वाला फोन खरीदना चाहते हैं और एक गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप 2023 में खरीद सकते हैं। और ये ना कुछ बेस्ट लेवल वाले फ्लैगशिप फोन है जो अभी तक के सबसे फास्टेस्ट परफॉर्मेंस वाले फोन माने जाते हैं। तो अनडाउटेडली इस लिस्ट में जो सबसे पहला फ़ोन है ना, सबसे महंगे फ़ोन की जो मैं बात कर रही हूँ, तो ये फ़ोन है एप्पल का लेटेस्ट लॉन्च आईफोन 15 प्रो मैक्स, और ये एप्पल का अभी तक का सबसे एक्सपेंसिव फ्लैगशिप लेवल वाला फ़ोन है। इसमें सबसे फास्टेस्ट फीचर्स दिए गए, 6.7 इंच का एक सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलता है, और ये आता है 120 हर्ट्ज के अडैप्टिव रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ। बेस्ट पार्ट ये कि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी मिलता है, iOS 17 जो कि लेटेस्ट अपडेट है एप्पल का वो मिलता है, और फास्ट परफॉर्मेंस के लिए इसमें एप्पल की नई A17 प्रो चिप दी गई है जो कि सिर्फ इसी फ़ोन में मिलती है, और इसको ये 10% फास्टर बनाती है और सभी आईफोन से। तो ये जो आईफोन है ना, ये 1.5 लाख तक के प्राइस सेगमेंट में आता है अगर आप इसको इंडिया में ख़रीदना चाहते हैं। तो इसमें जितने भी एप्पल के फीचर्स हैं अभी तक के लेटेस्ट सारे फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि ये फ़ोन ना सबसे बड़े डिस्प्ले साइज़ के साथ आता है, तो वो जो फैक्टर है ना आपका डिस्प्ले वाला, वो इस फ़ोन में कंप्लीट हो जाएगा। साथ में फास्ट परफॉर्मेंस मिलेगी और इसके कैमरा फीचर्स भी बहुत अमेजिंग है, तो आपका गेमिंग के साथ साथ फोटोग्राफी एक्सपीरियंस भी इस फ़ोन के साथ बहुत अमेजिंग होगा। तो एप्पल के फ़ोन के लिए मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन बात है कि एप्पल के जितने भी फ़ोन्स आते हैं ना वो एक्चुअली में परफॉर्मेंस वाइज बेस्ट होते हैं, और जो प्रो मैक्स वेरियंट है वो पर्टिकुलरली उन्हीं यूज़र्स के लिए तैयार किया गया है जो बड़े डिस्प्ले वाला एक आईफोन यूज़ करना चाहते हैं। तो इस लिस्ट में अब iPhone 15 Pro Max के बाद जो दूसरा फ़ोन है वो है Samsung Galaxy S23 Ultra। जैसे कि इसके आगे Ultra जुड़ जाता है ना, तो फ़ोन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब इस फ़ोन में आपको Qualcomm का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है ना, Snapdragon 8 Gen 2 वो मिलता है। इस प्रोसेसर की वजह से ना फ़ोन में एक फास्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। ये Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, हालांकि इसमें जो लेटेस्ट एंड्रॉयड 14 अपडेट है वो भी जब रिलीज़ होगा तो वो भी इसमें आप फ़ोन में आप अपडेट कर सकते हैं। टाइम टू टाइम जितने भी नए अपडेट्स आते हैं वो आपको मिलेंगे। अब बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें सबसे बड़ा यानी कि 6.8 इंच का एक QHD+H डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 2x सुपर स्मूथ डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। तो ये डिस्प्ले जो फीचर्स है ना, ये गेमिंग से बहुत ज़्यादा डायरेक्टली लिंक्ड होता है, क्योंकि हाई रिफ्रेश रेट है यानी कि डिस्प्ले चलाने में स्मूथ होगा, स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। डिस्प्ले बड़ा है तो कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से विजिबल होंगे। फास्ट प्रोसेसर है यानी कि इससे आप हैवी ग्राफिक्स वाली जो गेमिंग है वो इस फ़ोन में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। साथ में ना फ़ोन कैमरा एक्सपीरियंस जो है वो भी बहुत अच्छा देता है। इसमें 200 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर मिलता है, और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं इस फ़ोन में, और ये फ़ोन जो है ना ये डायरेक्टली कम्पीट करता है आईफोन 15 प्रो मैक्स के साथ। तो इस फ़ोन में भी बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, अगर आप 1-1.5 लाख रुपए तक खर्च करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं एक डेडिकेटेड गेमिंग फ़ोन के ऊपर, और मैं बात कर रही हूँ Asus ROG फ़ोन 7 अल्टीमेट के बारे में। तो जैसा कि सब जानते हैं कि Asus ना खास तौर पे गेमिंग लवर्स के लिए अपने फ़ोन डिज़ाइन करता है, तो इस फ़ोन में आपको Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट मिलता है। वही हैवी ग्राफिक्स के लिए ना इसमें Adreno 740 GPU का सपोर्ट दिया गया है, 16 GB तक की रैम मिलती है, 512 GB तक की स्टोरेज दी गई है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें आपको 50 MP का सोनी का एक IMX766 प्राइमरी सेंसर दिया है, 13 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 8 MP का एक मैक्रो लेंस, और 32 MP का एक सेल्फी कैमरा।
अब आप सोच रहे होंगे कि स्नैपड्रैगन प्रोसेसर तो सारी फोन्स में मिलता है, इस फ़ोन में बेस्ट पार्ट क्या है? तो इस फ़ोन की बेस्ट पार्ट है इसकी बैटरी। इस फ़ोन में हाईएस्ट 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। अब आप देखिए कि फास्ट प्रोसेसर के साथ एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है फ़ोन में, लेकिन बैटरी साइज बढ़ाया गया है। तो खास तौर पे जो यूज़र्स लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करते हैं ना, अगर आपको लाइक बहुत लंबे टाइम तक के लिए गेमिंग करनी है, तो उसमें आपको फ़ोन ना बार बार चार्जिंग पे नहीं लगाना होगा, क्योंकि सिंगल चार्ज में ये लॉन्ग बैटरी बैकअप ऑफर करता है और फास्ट चार्जिंग ये ऑफर करता है। तो आपके सारा काम एक ही फ़ोन में हो जा रहा है, आपको फास्ट परफॉर्मेंस भी मिल रही है, हैवी गेमिंग के लिए आपको ग्राफिक्स बहुत अमेजिंग मिल रहे हैं, बड़ा डिस्प्ले भी मिल रहा है, फ़ोन देखने में भी ना बिल्कुल एक गेमर्स के लिए तैयार किया गया है, डिज़ाइन भी बहुत यूनिक है और एक बड़ी बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है। तो गेमिंग के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। तो अगर आपका पर्पस ये है कि आप एक डेडिकेटेडली गेमर हैं और गेमिंग फ़ोन ही लेना चाहते हैं, तो ASUS का ये जो ऑप्शन है ना, ये इस लिस्ट में सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अब इस लिस्ट में जो लास्ट फ़ोन है ना, वो है एक फोल्डेबल स्मार्टफोन। अब फोल्डेबल स्मार्टफोन बेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हीं यूज़र्स के लिए तैयार किए जाते हैं जिन्हें बड़ा डिस्प्ले चाहिए। तो अब सैमसंग ने इस साल अपना लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च किया था, सैमसंग Z Fold 5। और जब फोल्डेबल फ़ोन्स की बात आती है ना, तो सबसे पहले सैमसंग को ही याद किया जाता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सैमसंग ने ही सबसे पहले तैयार की थी और अभी तक ना कंपनी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो ऑफर कर रही है, लेटेस्ट डिवाइस लेकर आ रही है। इसमें आपको 7.6 इंच का एक डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 2x इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और ये मैं बात करी थी इंटरनल डिस्प्ले की, आउटर में इसमें मिलता है 6.2 इंच का एक HD+ कवर स्क्रीन और ये एक डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है, 2x रिजोल्यूशन के साथ आता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। साथ में फ़ोन में क्वालकम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिपसेट दिया गया है और इसमें 512 से लेकर 1 TB तक की स्टोरेज मिलती है। तो ये नंबर अपने आप में काफ़ी अच्छा है। 4400 mAh की बैटरी दी गई है, 25 वॉट के अडैप्टर के साथ आती है और कंपनी का मानना है कि ये 30 मिनट में ना 50% तक चार्ज हो जाता है और इसमें आपको वाटर प्रोटेक्शन के लिए IPX8 रेटिंग भी मिलती है। तो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स जो है ना, वो गेमिंग के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि जब आपको गेमिंग करनी है तो आप अनफोल्ड करके फ़ोन को उस पर गेमिंग कर सकते हैं और जब आपको रेगुलर फ़ोन इस्तेमाल करना है तो आप उसको फोल्ड करके इसके आउटर कवर स्क्रीन पर रेगुलर अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। तो जो फोल्डेबल फ़ोन्स हैं ना, वो मेनली बड़े स्क्रीन और अपने ये फोल्डिंग एक्सपीरियंस के लिए जाने जाते हैं और इन पर गेमिंग करने का मज़ा ना एक बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये जितने भी स्मार्टफोन्स मैंने बताए हैं ना, ये गेमिंग के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं अगर आपका बजट है 1.5 लाख रुपए तक का। तो ऐसे में आपको अलग से कोई डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप स्मार्टफोन में ही एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस जो है वो उसका मज़ा ले सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे बेस्ट फ़ोन आपको कौन सा लगता है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।